गाइस मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इंसान अगर अपनी लाइफ में से अगर थोड़ा सा पल निकाल के इन बिजी शेड्यूल में से अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और इन लहरों के पास आते हो तो ज़िंदगी की आधी थकान तो वैसे ही मिट जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पवन इंडियंस में। तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं अक्षा बीच, जो कि हम आपको दिखाएंगे अक्षा बीच के कुछ खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं अक्षा बीच। अगर आप वेस्टर्न लाइन से आते हैं लोकल ट्रेन से तो आप मलाड स्टेशन उतर सकते हैं और वहां से आप बस पकड़ सकते हैं, BST की बस, जो कि आपको 15 रुपये लेकर आपको अक्षा बीच पहुंचा देगी। और यहां पर आकर आप, ये वो जगह है द रिसोर्ट, यहां पे आप उतर जाएंगे और यहां से हम लोग स्ट्रेट अक्षा बीच की तरफ निकलेंगे। सगाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अक्षा बीच पहुँच चुका हूँ। इस अक्षा बीच की बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत सारी ऐसी फिल्में की शूटिंग यहाँ पे हुई है, जैसे फर्स्ट है जिसमें बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग अग्निपथ ऋतिक रोशन की फिल्म है, जिसमें वो सॉन्ग है ना, कौन सा, अभी मुझ में कहीं, वो सॉन्ग यहाँ पे फिल्माया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेले का वो सीन होता है जहाँ पे ऋतिक रोशन अपने बहन से मिलता है और उसको यहीं पे शूट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वो पूरा लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पे, जैसा कि आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, तुझे अक्षा बीच घुमा दूँ आ चलती क्या, वो सॉन्ग सलमान खान का सॉन्ग जो है वो यहीं पे शूट किया गया है, प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान और सुहेल खान के साथ जो सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, जो कि आई थिंक 10 से 15 साल पुरानी फिल्म है, जो कि यहीं पे शूट किया गया। और बहुत ही, और गाइस मैं आपको बता दूं कि अक्षा बीच का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, नैनों में सजना सपनों में सजना, श्रीदेवी का सॉन्ग जो है, जो अभी आपने टेलीविज़न पे बहुत बार देखा होगा, आपने जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म का सॉन्ग, वो भी फिल्म का सॉन्ग यहीं बीच पे शूट किया गया था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बीच बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम आपको इसके अलग अलग दृश्य दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें उस पार जाना है, तो चलिए चलते हैं और आपको उस पार में चलते हैं और आपको वहाँ से दृश्य दिखाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग इस वाटर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे हैं, इतना ठंडा पानी है यार, रियली अगर आप आओ ना, अगर इस तरह आने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइस देख सकते हैं कि हमने ये छोटा सा वाटर स्ट्रीम हमने पार कर लिया है और इसमें मेरे पूरे शूज़ गीले हो चुके हैं क्योंकि मैं शूज़ को निकालना नहीं चाहता था। उस पार से इस पार आ चुका हूं और यहां से एक अलग ही दृश्य आपको नज़र आएगा इस कैमरे के माध्यम से। यहां से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं और यहाँ पर एक देख लीजिए पाम के ट्री कितने खूबसूरत हैं।
जो अगर समुद्र के किनारे अगर पाम के पेड़ ना हो तो उनकी खूबसूरती में थोड़ी सी कमी तो आ जाती है, लेकिन ये पाम के ट्री बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं इस जगह को। पूरी अलग अलग दिशाओं से मैं आपको पूरी तरह से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं सो गाइस, आप देख सकते हो ये है यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है और जिनका मैं नाम तो मुझे नहीं याद है, बट हाँ जो खूबसूरत गाने हैं उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि यहाँ पे ये फिल्मों की शूटिंग हुई है, ये खूबसूरत गानों की शूटिंग हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। सो गाइस मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंसान अगर अपनी लाइफ में से अगर थोड़ा सा पल निकाल के इन बिजी शेड्यूल में से अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालते हैं और इन लहरों के पास आते हो तो ज़िंदगी की आधी थकान तो वैसे ही मिट जाती है इस लहरों की संगीत को सुनकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आएँ और इन लम्हों को, इन आवाज़ों को महसूस करें। जो संगीत होती है इन लहरों में एक अलग ही आवाज़ होती है। चलते हैं आगे की तरफ, इन चट्टानों के ऊपर चढ़ते हुए एक अलग ही एक्सपीरियंस चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइज मुझे ऐसे ही जगह पसंद हैं, नेचर एडवेंचर, जहाँ पे हम एक अलग ही आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा। वो देखिए मैं उस पार से यहाँ तक इन लहरों को, चट्टानों को पार करते हुए यहाँ तक आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत लम्हों को, चट्टानों को छोड़ते हुए मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ। और ये देखिए भाई साहब, बहुत ही गंदगी लोग कर देते हैं यहाँ पे, उनको ये ख़त्म करते हैं, बहुत ही गलत बात है। ये देखिए यहाँ पे बॉटल हो गया, सिगरेट के पैकेट हो गए, सब लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, जो कि सो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग लोकेशन से मैं आपको अक्सा बीच दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बीच है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की तरफ और भी। आई थिंक ये आइलैंड है क्या, जैसा कि लग रहा है कि मैं किसी आइलैंड पे आ चुका हूँ, बट गंदगी बहुत ज़्यादा है। चिप्स के रैपर, कोल्ड ड्रिंक बॉटल, सब लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गलत बात है, अगर आप किसी जगह पे आते हो आपको अच्छा लगता है, बट वहाँ पे आप गंदगी ना करें तो ही अच्छा है, ना कि आप आए और कुछ भी फेंक के चले जाएं। सो गाइस यहाँ पे
कुछ रिसॉर्ट्स वगैरह हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप आते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आप रिसॉर्ट में भी आके स्टे कर सकते हैं। बट जो मज़ा इन चट्टानों के बीच में है वो कहीं नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जिंदगी इस तरह से अरे बाप रे बाप। सो गाइस बहुत ही स्लिपरी है, बहुत ही संभल के आना है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अरे बाप रे बाप। बाप रे बाप, बहुत स्लिप कर रहा है यार। बट मुझे वहां पे जाना है तो जाना है। शिट अरे बाप रे बाप, मैं तो स्लिप कर गया। मैं पानी में उतर चुका हूँ। बाप रे बाप। सो गाइस एक दो बार तो मैं गिर भी चुका यहाँ पे, बट कोई नहीं, आपको मैं ये सीन दिखा के रहूँगा। सो गाइस देखिए मैं उस जगह से यहाँ तक, उस किनारे से होते हुए यहाँ तक मैं आ चुका हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। इन चट्टानों को चीरता हुआ यहाँ तक आ चुका हूँ मैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, बट हवा के सामने कुछ पता नहीं चल रहा है कि सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आ रहा होगा। सो गाइज़ ये शूज़ बहुत परेशान कर रहा है मुझे, क्योंकि ये स्लिप बहुत ज़्यादा कर रहा है इन चट्टानों पे, इसलिए मुझे पानी में चलना पड़ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये देखिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है, इसे कहते हैं शंख। चलिए चलते हैं। एक अक्सा भी से मुझे बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है, इसे मैं अपने साथ ले चलता हूँ अपने घर। जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरे बीच को घूम लिया है और देखिए हम लोग कहाँ से आए थे, वो जो बीच देख रहे हैं वो कॉर्नर, वहाँ से मैं चलते हुए इन किनारे किनारे मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। कितनी दूर मैं आ गया हूँ मुझे पता ही नहीं है। इन लहरों को बहुत ही अलग ही एडवेंचर था, जैसा कि आपने रास्ते में देखा होगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कॉटेज जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हो समंदर, अक्सा बीच। गाइस आज मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ से, तो गाइस ये देखिए बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ जो कि बहुत ही साल पुराना है। तो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही रिस्की भी था, काफ़ी जगह मैं तो फिसल भी गया चट्टानों पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।